जनाब लाइवा बना रही है यहाँ पर, और ये चूरा जो किया था ना इसने ब्रेड का, वो इसके ऊपर लगा रही है। पहले उससे पहले इसने जो ना बेसन में इसको डिप किया था उसके ऊपर ये लगा रही है, ठीक है, क्योंकि लाइवा को बहुत शौक है। और ये माशाल्लाह से ना जो ना कुकिंग भी सीख रही है अभी माशाल्लाह से, बल्कि खुद ही देखती रहती है यूट्यूब पे ना और सीखती रहती है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कितनी बना चुकी हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जो थोड़े से मैंने पापड़ भी इन लोगों ने बच्चों के लिए तल लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हरी मिर्चें ये तल ली हैं, ठीक है, 3 मिर्चें। और अभी जो है ना ये कढ़ाई, और अभी मैं डिप करूँगी इसको, ठीक है। ये देखो ये डिप की, आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, बहुत मज़ेदार वाली बनती है। ये बन गई जी मैक्रोनी, बहुत मज़ेदार वाली, ठीक है। इसमें जो ना मैंने ना सारी सब्जियां वगैरह मैक्रोनी जो ना इसको बॉईल करके वो डाल दी थी इसके अंदर, ठीक है, और सब्जियां सारी मैंने फ्राई कर ली थी, और जो मसाला था वो भी सारा ऐड कर दिया था, ठीक है, घर का मसाला था, ठीक है। ये बन गई मैक्रोनी, कितना मज़ेदार वाली है ये देखिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बनाई थी घर में ना। फिर यहाँ पर जी पकौड़े तल रही हूँ मिर्चों वाले, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैंने अभी पकौड़े वाले आलू वाले पकौड़े सॉरी ये भी बना लिए मैंने, ठीक है। ये बनाया आज अफ्तार में, आज है अफ्तार का दूसरा दिन, ठीक है। और अभी जो ना, और ये देखिए मिर्चे कितने मज़ेदार वाली, इसमें बस मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें मसाला भर के और वो बनाया, ठीक है। और अभी मैं निकाल रही हूँ ये मिर्चा, चले बिस्मिल्लाह चले। और अभी लाइवा क्या बना रही है मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। लाइवा ने जी बनाई है ये है चीज़ मिर्चें, ठीक है, चीज़ मिर्चें बनाई है इसने, और इसमें जो ना चिकन है और चीज़ है, इसको बनाई है, ठीक है। और अभी ये ना जो ब्रेड थी ना उसको ये ड्रम्स बनाएगी इसमें से, तो फिर इसको डिप करके इसने थोड़ा सा ये बना भी लिया इसने, ठीक है। तो अभी जो है ये बनाएगी, और इसका जो बेसन है ना वो ये इसने घोल लिया है, तो अभी ये घोल के और फिर इसमें डिप करके आपको तल के दिखा, ठीक है। और ये बहुत मज़ेदार वाली बनती है, आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, बाजार से ना खरीदे, घर में सारा कुछ खुद बनाए, ठीक है। यहाँ पर जी पकौड़े तले जा रहे हैं, पालक के और प्याज है और आलू है, ठीक है, बेसन में डिप करके इसमें बना रही हूँ मैं, देखें माशाल्लाह से देखें कैसे मज़ेदार वाले। और ये थोड़े बहुत जो है ना बन चुके हैं, ये बन चुके हैं जी, और ये देखें ये बैंगन के बनाए हैं मैंने, और ये पालक के और प्याज के और आलू के ये बनाए हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैंने डाल दिया चाट मसाला, इससे ना बहुत जायका आता है, जैसे जैसे आप बनाते रहेंगे चाट मसाला इसके ऊपर डालते रहेंगे, और बहुत अच्छे बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी ये बनते हैं, और देखें कितने मसाला बने हैं, है ना। यहाँ पर जनाब दही बड़े तैयार हो चुके हैं, ठीक है। हाथ की दोनों हथेलियों से ना प्रेस करके और फिर इसको दबाएंगे तो इसका जो पानी होता है ना दही बड़ों का ये निकल जाता है, ठीक है। जिस तरह से आप देखें इसकी शेप कैसी आई है, ठीक है, तो आप भी इस तरह से ना इसका पानी निकाल सकते हैं, मतलब कि हाथों की दोनों तलियों को ना इसमें रख के और दोनों को दबाएंगे तो दही बड़े ना मतलब इसका जो पानी होता है ना वो निकल जाता है, ठीक है ना। अगर पानी में से आप ना ऐसे ही निकाल के इसमें डाल देंगे तो दही और जो दूध है वो ना इसके अंदर आ जाएगा और फिर ना अच्छे भी नहीं लगेंगे, ठीक है जी। तो अभी मैंने बना लिया माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह मान रही, दही भी पहले मैंने ऐड कर दी थी इसके नीचे थोड़ी सी लगा दी थी, और अभी दही और दूध दोबारा से इसके ऊपर लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि ये भीग जाए और इतने मज़ेदार। और फिर फ्रिज में रखिएगा ठंडे ठंडे करके और सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगते हैं ये, ठीक है। ये देखें बस पूरा दूध मैंने इसमें डाल देना, ये देखें, ठीक है। और फिर इसके ऊपर जो ना ये दही बड़े का मसाला है ये आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैंने डाल रही थोड़ा सा इसको ना फ्रिज में रखती हूँ ठंडा करने के लिए, फिर बाद में निकाल के फिर इसमें डालेंगे, ठीक है। देखें ठंडे हो चुके थे, और फिर उसके ऊपर मैंने क्या किया, ये जो मसाला था ना वो छिड़क दिया, देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप भी अपने घर में दही बड़े बनाएं, बाजार से ना खरीदा करें, घर में बनाया करें, हर चीज़ बन जाती है। ये माश की दाल के हैं, माश की दाल और मूंग की दाल, थोड़ी सी माश की दाल ली है थोड़ी सी मूंग की दाल ली है तभी इतने अच्छे बनते हैं, ठीक है। और ये इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार बनते हैं ना कि आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ में बटन दिया बेल का वही प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है जी। तो मैंने बनाए आज दही बड़े, मीठे वाले दही बड़े, ठीक है जी। तो आज है रमज़ान का दूसरा दिन,